नमस्कार दोस्तों, वासुगुरु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने अपने पहले भी सीरीज बनाए हैं, कई लेसन्स बनाए हैं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करके उन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताई कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, ऐसी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने वो जो लेसन्स बनाए थे वो अपने हिसाब से बनाए थे कि भाई बिगनर्स इसको फॉलो करें, लेकिन बिगनर्स जब इसको फॉलो करने लगे तो उनको जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ आने लगी उसको मैंने नोट किया कि किस तरह से बिगनर्स के लिए और एलोबरेट करके या एक एक लेसन्स को कैसे उनको अच्छे से समझा के बताया जाए ताकि वो बहुत ही आसानी से बांसुरी बजा सके। देखिए, वैसे तो हर आदमी के दिल में एक इच्छा होती है कि हम भी अच्छी बांसुरी बजाएं, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे पूरे संसार में जन जन तक ये कला जो है पहुँचे। तो मैं इसी पथ पे जो है, मतलब इसी क्रम में जो है, मैं अपना ये नया जो है लेसन्स का सीरीज बना रहा हूँ। इसको आप क्रम पूर्वक देखें, क्योंकि ये एक के बाद जो मेरे लेसन्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, मतलब लिंक रहे हैं। तो आप अगर सभी को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा कि बांसुरी क्या है, बांसुरी कैसी लेनी चाहिए, कैसी बजानी चाहिए, किस तरह से बजानी चाहिए, कैसे उसका रियाज करना चाहिए। ये सब मैं आपको जो है अपने इस जो मेरे ये मेरे जो मतलब नया मैंने जो सीरीज 2023 में स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं वो आपकी एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मैंने नोट किया था और उसके हिसाब से मैं इसको बनाने की और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद विगत 2 वर्षों में मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हुए जिन्होंने बांसुरी बजानी स्टार्ट कर दी है, और भी मैं चाहता हूँ कि और भी लोग मुझसे जुड़ें और निःशुल्क जो है बांसुरी का जो है मार्गदर्शन मुझसे लें और अच्छी बांसुरी बजाएं, जिसे आपके मंत्रमुग्ध होंगे ही, आपके मन को भी शांति मिलेगी और साथ ही में जो है और भी लोग जो सुनेंगे उनको भी अच्छा, वो भी आनंदित होंगे। तो अगर आप बांसुरी सीख सकते हैं तो सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पास 5 ईयर्स to 85 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स ही कहूँगा 85 ईयर्स के लोगों को, और 60+ जो भी फ्लूट बजा रहे हैं उनके लिए एक अच्छा जो है समय आपको व्यतीत करने का एक मतलब सहारा है, और आप जो है इसके सहारे जो पूरा जीवन अपना काट सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आदमी पढ़ता है तो उसे पढ़ने की होड़ रहती है, नौकरी पाने की होड़ रहती है, और उसके बाद शादी हो जाती है तो आदमी अपने बच्चों में अपने परिवार में ही खो जाता है और उसे समय नहीं मिलता कि वो अपनी भी इच्छाओं को कभी जो है पूरा कर सके। चाहता तो हर आदमी है कि मैं बजाऊँ, लेकिन वो नहीं बजा सकता है, अपने सांसारिक झंझावात में फंसा रहता है। देखिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कुछ समय उसमें से निकाल लें, 24 घंटे में से आधा घंटा या 1 घंटे भी अगर निकाल लें प्रतिदिन, तो आप अच्छी बांसुरी बजा सकते हैं। तो चलिए, मैं तो आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आप इसका लाभ लें और अच्छे से बांसुरी बजाएं और मुझे संपर्क करें, मैं आपको पूर्ण रूप से सहयोग करने की और उचित मार्गदर्शन करने की, निःशुल्क मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, इसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि बांसुरी को पहले, सबसे पहले जो है बांसुरी बजाने के लिए हमें बांसुरी को समझना है कि बांसुरी है क्या, या किस प्रकार से बजाई जाती है, या इसमें किस तरह से हमें फूंक मारनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ब्लो के प्रेशर पे ही जो है, ब्लो के प्रेशर और फिंगर्स की मूवमेंट्स, ये अगर आप कंट्रोल करेंगे तभी आपके सुर जो है सही निकलेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि कोई भी की या बटन या कोई भी स्ट्रिंग आप अगर प्रेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा, परंतु जो है बांसुरी में क्या है कि आपको साउंड अपने फूंक के द्वारा प्रोड्यूस करना है, और कितने प्रेशर से आपको फूंक मारनी है कि आपका जो है सही स्वर लगे, इसके लिए आपको बहुत ही चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे अच्छा, सबसे पहली चीज, प्रथम चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी बांसुरी सुर में होनी चाहिए, सुरीली होनी चाहिए। देखिए, मार्केट में तो ऐसे काफ़ी बांसुरी लोग बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मतलब है कि आप बांसुरी बजाएं या ना बजाएं या आप बजा पाएं, तो उनसे कोई मतलब, उनको तो बस अपने बेचने से मतलब है, या ब्रांड के नाम पे बेच दिया जाए या उसको लोकल के नाम पे बेच दिया जाए या ऑनलाइन बेच दिया जाए, उनको उससे मतलब नहीं है कि आप बांसुरी आगे बजा पाएं या ना बजा पाएं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है ना उनको उससे कोई मतलब है, उन्हें तो पैसा कमाने की होड़ है। और यही कारण है कि हमारे देश में बहुत से लोग जो बांसुरी बजाना चाहते हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है सही बांसुरी नहीं मिल पाती है और सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो
दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप जो भी बांसुरी लें अपने गुरु के माध्यम से लें या किसी जानकार व्यक्ति के माध्यम से लें, क्योंकि अगर आप किस मार्केट में जाएंगे तो आप तो अच्छी उसमें पॉलिश और वो होल्स और थ्रेडिंग्स देख के आप बांसुरी ले लेंगे, क्योंकि आपको बजाना आता नहीं है कि वो सही है या गलत है। तो चलिए ये सब विषय पर हम बाद में बात करेंगे। हम मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि बांसुरी जो है, ये देखिए सिंपल एक बांस है, एक बांस का टुकड़ा है, इसमें जो है 6 होल्स इधर हैं, एक इधर जो है इसका ट्यूनिंग होल है, और यहाँ पर जो है इसका एक ब्लोइंग होल है, और यहाँ पर एक कॉर्क लगी हुई है। जब आप इसमें फूंक मारते हैं, इसका जो प्रिंसिपल आप समझ लीजिए कि जब इसमें आप फूंक मारते हैं तो फूंक इसके अंदर जाती है, और यहाँ कॉर्क की वजह से फूंक आपके जो है ब्लो आपके नीचे की तरफ आती है। जब नीचे की तरफ आती है तो आपके जो होल्स हैं 6 होल्स हैं, इसमें जब आप इसको फिंगर्स के मूवमेंट करते हैं तो सुरों का उतार चढ़ाव होता है, इसमें से सुर निकलते हैं। तो सिंपल चीज है बांसुरी में, यही है कि आपको यहाँ से फूंक मारनी है और अपने यहाँ के फिंगर्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है और आपके सुर निकलेंगे। चलिए ये तो देखने में काफ़ी आसान है कि ये 6 होल्स हैं, बस इसको प्रेस करना है और यहाँ फूंक मारनी है, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जो यंग जनरेशन है उनमें पेशेंस एकदम नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर आज मैं बांसुरी लूँ तो आज ही मैं बजा लूँ, आज ही मैं मतलब मास्टर हो जाऊँ। पर देखिए दोस्तों, ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक युग जरूर है, लेकिन ये जो नेचुरल चीज है इसमें आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा, और इसके बाद में आपको जो है खुश रहना पड़ेगा। अगर आप खुश रहेंगे तो अच्छे से बांसुरी बजाएंगे, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जब आप खुश रहते हैं तो आप अंदर से गाना गाने स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले खुश रहिए, मुश्किल मतलब जो है स्माइलिंग फेस रखिए, लोगों से अच्छे से बात करिए, अपने मन के विचार को अच्छा रखें। जब इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आपको जो है निखार लाने की ज़रूरत है, उसमें आपको काफ़ी अच्छा जो है बनना पड़ेगा, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अगर आप दूसरे के बारे में अच्छी चीज़ सोचेंगे तो आपका अच्छा अपने आप होगा। तो मेरा कहना मतलब ये कि आप जो है अपने आप को जो है उस रंग में ढालिए कि जिससे आप जो है मन को शांत कर सकें और बांसुरी सीख सकें। ठीक है, तो मैंने तो आपको जो बताया था कि बांसुरी में ये क्या होता है, ठीक है, अब इसमें जो है बांसुरी जो है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, बाकी इंस्ट्रूमेंट तो किसने बनाया, ये बनाया बनाया, लेकिन बांसुरी जो है आपको सभी को मालूम है, इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे भगवान कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाया करते थे, और उनकी जो बांसुरी की धुन सुन के जो है पशु पक्षी नर नारी सब जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसमें ध्वनि जो साउंड इतना अच्छा प्रोड्यूस होता है बांसुरी में कि वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। जब वो आपको अपनी तरफ इसलिए खींच लेता है क्योंकि उसकी आवाज जो है इतनी कर्णप्रिय होती है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आप बचपन में मेले में जाते थे तो कोई मेले में शोर शराबा इतना होता है, लेकिन एक बांसुरी बेचने वाला अगर होता है तो आप तुरंत वहां जाते थे और बोलते थे अरे साहब ये जो बांसुरी जो है ना मुझे चाहिए, और कितने में दोगे, और ये जो है जो जो आप बजा रहे हो वो बांसुरी मुझे दे दो। तो आप बांसुरी लेके खुशी खुशी घर आ जाते थे और कुछ दिन बजाते थे, फिर मतलब आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। लेकिन जो है आपको उस मेले में एक वो चीज़ अलग से नजर आती थी। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर ये बजेगा तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स को पीछे छोड़ के सबसे अग्रणी रहेगा, और ये अपने आप में जो है एक अपनी इसकी जो विशेषता है, इसके साउंड की विशेषता है जो आपको कर्णप्रिय है, इसलिए आप जो इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, बांसुरी जो है ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्टार्ट किया था, हम उन्हीं सभी का मतलब भगवान कृष्ण का ही अनुसरण करके जो है बांसुरी बजाने की कोशिश करते हैं, प्रेरणा करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो इंस्ट्रूमेंट है ये बांस का, मतलब बांस का एक टुकड़ा है। एक्चुअली प्राचीन काल में हुआ क्या कि जहाँ पर बांस के पेड़ हुआ करते थे गाँव में, गाँव के सबसे बाहर जो है बांस के पेड़ हुआ करते थे, तो लोग वहाँ पर अपनी गाय चराने या मतलब पशु को चराने के लिए, मवेशियों को चराने के लिए ले जाया करते थे।
तो जब वहां पर तेज हवा चलती थी तो उसमें से सरसराहट की आवाज आती थी, विसल विसल की आवाज आती थी। तो लोगों ने सोचा यार इसमें भूत प्रेत है, इससे दूर रहो, ये मतलब इसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, इसमें से अजीब अजीब साउंड प्रोड्यूस हो रही। लेकिन गांव के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो भौरा, एक भौरा होता है, कीड़ा होता है ब्लैक कलर का, वो बैम्बू में आके इसमें होल कर देता है। उन्होंने बताया ऐसा लोगों को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, भौरा जो है इसमें होल कर देता है और उस होल से जब एयर पास कर रही है तो उसमें विसिल की साउंड आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका डेमो दिखाने के लिए, मतलब कैसे इसको प्रूफ किया जाए, उसका डेमो करने के लिए उन्होंने बैम्बू का पीस वहां से काट के लोगों के सामने दिखाया, भाई देखो ये बैम्बू है, यहाँ पर भौरे ने होल कर दिया है और ऐसा ऐसा है, तो इस वजह से इसमें जो है विसिल की साउंड आ रही है। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, मान लिया कि भौरे ने होल कर दिया, लेकिन इसमें साउंड तो अभी आ ही नहीं रहा। उस समय तो बहुत अच्छी साउंड आती थी, बहुत तेज साउंड आती थी, विसिल की साउंड आती थी, इस समय तो आई नहीं। तो लोगों ने कहा यार इसमें अब एयर कैसे प्रोड्यूस किया जाए, तो उन्होंने अपने होंठों पे लगा के इसको इस टाइप से ब्लो किया। भाई इसमें डेमो दिखाने के लिए आपको कुछ तो करना है ना, कि भाई ये एक्चुअल बज रही है, जो साउंड वहां आ रही है लगभग वही साउंड, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे डरिए मत, ये बांसुरी है। तो उन्होंने इस तरह से होंठ में लगा के इस तरह से किया। उसके अलावा जो नीचे भी कुछ होल्स थे तो लोगों ने उस पर उंगली यहां से ब्लो किया और उंगलियों को इस टाइप से जो है बजाने की कोशिश की। तो अरे बोले यार इसमें तो आवाज जो है साउंड का मतलब जो है अलग अलग स्वर निकल रहे हैं, तो क्यों ना इसका मतलब हम लोग जो है, हमारे पास जो है ये 10 उंगलियां साथ में, 10 उंगलियां लेफ्ट हैंड में, तो चलो हम इस उंगलियों को इतना होल्ड करके बनाएं। तो उन लोगों ने फिर कहा नहीं यार होल्ड करने की प्रॉब्लम होगी, अगर 10 होल हम बना देंगे तो 10 होल कैसे पकड़ेंगे, बांसुरी तो गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं यार ठीक है, हम जो है 3 फिंगर्स इसमें यूज करते हैं और 3 फिंगर्स इसमें यूज करते हैं। 3 फिंगर्स जो मिडिल की हैं इसको हम जो है राइट हैंड में यूज करते हैं और 3 फिंगर लेफ्ट हैंड की हम इधर यूज करते हैं और इससे हम प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे उस समय आपने सुना होगा कि उस समय भी बड़े बड़े मतलब आर्टिस्ट हुए, जो कोई सितार बजाता था, कोई मृदंग बजाता था, कोई मतलब वीणा बजाता था, तो इस टाइप के थे। तो उन्होंने उनसे कंपेयर करने की कोशिश की सुरों को कि भाई ये ऐसे सुर बज रहा तो हम इसमें ऐसे कैसे बजाएंगे। तो देखिए जो आवश्यकता होती है वही जो आविष्कार की जन नहीं होती है। अगर आप किसी चीज़ की इच्छा करेंगे या उस पर आप विचार करेंगे या उसके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे तो आपको एक ना एक रास्ता मिलता जाएगा। तो इस तरह से जो है बांसुरी की उत्पत्ति हुई, लोगों ने फिर बांसुरी बनाई, फिर इसको शास्त्रीय संगीत में लाने की कोशिश की, उसके सुरों को मिलाया। इसमें काफ़ी जो है लीजेंड्स ऑफ म्यूजिक्स ने इसमें रिसर्च किया, फिर वो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, और हम लोग तो शुक्रगुजार हैं उन लीजेंड्स के, उन कलाकारों के, जिन्होंने हमें ये बना के हमें एक चीज़ मालूमात कराई कि भाई ये सबसे सस्ता और अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम जो है सीख के जो है सबका मंत्र मन जो है मोह सकते हैं। तो चलिए ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और आप इसको जानते भी होंगे, लेकिन चलिए मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश, क्योंकि मैं देखिए मेरे लेसन्स बनाने का प्रयोजन ये है कि आप इसको अच्छे से समझें। मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए या मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने इसके लिए अपने लेसन्स नहीं बना रहा हूँ, मैं तो सबको निःशुल्क मार्गदर्शन देता हूँ। पिछली विगत 2.5 सालों से मैं सबको निःशुल्क मार्गदर्शन दे रहा हूँ, तो मेरा कोई ऐसा प्रयोजन जो है पैसा कमाने का नहीं है, और मैं जो है आपको निःशुल्क ही मार्गदर्शन दूंगा जो भी मेरा ज्ञान है। देखिए ज्ञान कहीं भी मिले ज्ञान ले लेना चाहिए, भाई मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे अच्छा बांसुरी वादक हूँ, लेकिन मेरा जो भी ज्ञान है या 30-35 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस को आप में आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप उसको ध्यान से सुने और ध्यान से उसको ग्रहण करने की कोशिश करें, और ये मेरा वादा है कि अगर दिल में चाहत होगी तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। कहते हैं ना मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, नन्ही चिट्टी दाना लेके दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती गिरती लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, वो एक दिन चढ़ के अपने मंजिल तक पहुंच ही जाती है। तो कहते हैं लहरों से
लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ मेहनत करें, आप जो है कोशिश करें, मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगा, आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और एक दिन ये मेरा वादा है कि आप एक अच्छे बांसुरी वादक बनेंगे और आपका भी नाम होगा एक समाज में, आपकी एक जो है आपका स्थान होगा। जो इस सांसारिक झंझावात में जो भीड़ में आप चल रहे हैं उस भीड़ से अलग होइए, अपनी आइडेंटिटी एक अलग बनाइए। देखिए माँ बाप के नाम से अगर बेटा जाना जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बेटे के नाम से अगर माँ बाप जाने जाएँ तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और माँ बाप को उससे ज़्यादा खुशी होगी कि यार देखो मेरा बेटा है। लोग ये कहें कि भाई ये मतलब फलाने हैं ना उसके फादर हैं, तो फादर को उस दिन बहुत खुशी होगी यार मेरे बेटे ने इतना अच्छा समाज के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है और आज मेरा नाम उसके द्वारा लिया जा रहा है। तो आप भी ऐसा कुछ काम करें, क्योंकि देखिए गुरु का काम तो है आपको प्रेरणा देना, मैं तो आपको प्रेरणा ही दे सकता हूँ, इसके अलावा आपको मैं जो ज्ञान है वो थोड़ा सा ज्ञान दे सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो चलिए इस सिलसिले में जो मैंने आपको बांसुरी का ये बताया था, तो दोस्तों चलते चलते मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो बांसुरी का इंट्रोडक्शन आपने आज समझ ही लिया कि बांस का एक टुकड़ा होता है, इसमें एक ब्लोइंग होल है और यहाँ पर जो है सिक्स होल्स हैं और एक यहाँ पर ट्यूनिंग होल है, ठीक है, ये ट्यूनिंग होल है। और इसमें कैसे जो है किसको होल्ड करना है, क्या करना है, हम आगे के लेसन में आपको बताएंगे। और मेरी जो ये छोटी सी बात है उसको आप ध्यान में रखिएगा। और चलिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके तो और लोगों को शेयर करिएगा, जिससे और भी लोगों को मालूम हो कि हम निःशुल्क जो है बांसुरी सीख सकते हैं और जो है अच्छी बांसुरी बजा सकते हैं। आपको कोई भी प्रकार की दुविधा हो या कुछ भी आप मुझसे जानना चाहें तो आप मेरे जो है चैनल में या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं डिस्प्ले करता हूँ उस पर आप जो मुझे संपर्क करें, मैं आपकी पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूँगा। चलिए चलते चलते आपको एक धुन सुनाता हूँ।